नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, आतंकवाद, नक्सलवाद को करारा थप्पड़, अर्थतंत्र में बड़ी करेंसी नोटों का हिस्सा काफी तेज गति से बढ़ रहा था, जिसका उपयोग भ्रष्टाचार, हवाला और आतंकी गतिविधियों में किया जाता था। आज देश में 12 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में है। अगर नोटबंदी नहीं होती तो आज 18 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करेंसी सर्कुलेशन में होती। नोटबंदी के कारण 6 लाख करोड़ के हाई वैल्यू नोट्स प्रभावी रूप से कम हुए हैं। फंडिंग बंद हुआ तो कश्मीर में कैसे पत्थरबाजी 75% कम हो गई। नक्सलवाद में भी 20% तक कमी हुई। जाली नोटों और ड्रग्स के धंधे को भी बड़ा झटका लगा। नोटबंदी के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद ने मुंह की खाई। भ्रष्टाचार और काले धन की इस लड़ाई को युवा की आशा आकांक्षाओं ने लड़ा है। देश इस लड़ाई में विजयी तो होना ही था। जय हिंद।